कन्या राशि में हम बात करेंगे शुभ और अशुभ तारीख की और साथ में हम बात करेंगे सावधानियों की और उपाय की। कन्या राशि में अगर हम बात करें 16 से 23 फरवरी तो इन व्यक्तियों के लिए 16, 17 और 23 फरवरी के दिन अत्यंत कष्टकारी हो सकते हैं। इन दिनों पर सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर मैं बात करूं मास आरंभ में स्थिति क्या है ग्रहों की, अगर मास आरंभ में ग्रहों की स्थिति देखें तो केतु तुला राशि के होकर द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, बुध धनु राशि के होकर चतुर्थ भाव में है, सूर्य मकर राशि के होकर पंचम भाव में है, शुक्र शनि कुंभ राशि के होकर षष्ठम भाव में है, बृहस्पति मीन राशि के होकर सप्तम भाव में है, राहु मेष राशि के होकर अष्टम भाव में है, चंद्र मंगल वृषभ राशि के नवम भाव में है जो कि चलायमान है। चलायमान से मतलब है जो मूवी में। अगर हम बात करें 16 और 17 को तो कष्ट कलहकारी दिवस रहेगा इन व्यक्तियों के लिए। इस समय पर चिंताओं का पहाड़ टूट सकता है, मानसिक तनाव बढ़कर रहेगा, निंदा या बुराई लगी रहेगी, बिना स्वार्थ या अहम के कोई काम नहीं कर पाएंगे। 18 और 19 को अपने कैरियर संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय शीघ्र लेने पड़ सकते हैं, इसीलिए निर्णय आशा के अगर अकॉर्डिंग न होने के चांसेस भी होंगे, इसीलिए सोच समझकर निर्णय लें, मंथन करके लें। लोगों के साथ अगर आपको जो समय बिताना पड़ रहा है या लेन देन रखना हुआ है तो साफ छवि के लोगों के साथ ही लेन देन रहे, साफ छवि के लोगों के साथ समय बिताएं। घर में बुजुर्ग संबंधी माँ बाप के लिए स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, संतुष्टि के लिए आप लोग अब थोड़ा सा मानसिक परेशानी रहेगी और संतुष्टि के लिए अधिक तलाश अधिक जद्दोजहद करनी पड़ सकती है किसी भी प्रकार की मानसिक संतुष्टि के लिए। 20 और 21 को भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्ति करेंगे, आप व्यवसाय में तरक्की करेंगे, वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। जो व्यक्ति कुंवारे हैं उनके लिए वैवाहिक प्रस्ताव आने का संयोग बन सकता है, जो लोग शादीशुदा हैं उनके अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। 22 और 23 को सुख शांति का अनुभव करेंगे, सफलता के प्रयास मिलेंगे। अगर आपको ऐसे में कुछ और चीज करनी है तो बुधवार के दिन गाय को घास और पालक खिलाएं, अत्यंत लाभकारी हो।